हेलो गाइस, जूलॉजी का सेकंड पेपर का फर्स्ट यूनिट है। पहला युगलीना। युगलीना में एक फ्लैजिला है, युगलीना, जिसमें ये फ्लैजिला है। ये एक कंपोजिशन धागे नुमा संरचना, देख रहे आप कैसी संरचना है जी। तो कार्य क्या होता है? फर्स्ट कार्य है लोकोमोशन, मतलब गति का कार्य करता है। सेकेंड है फूड करंट, मतलब फूड इकट्ठा करने का कार्य करता है। संवेदन जो सेंसरी ऑर्गन होता है इसका कार्य करता है, ठीक है। जब इनका सेक्शन काटते हैं तो ये दिखता है। देखिए बाहर एक शीत आवरण है, ये शीत है मतलब बाह्य आवरण है। सेकंड क्या है, देखिए ये आउटर, मतलब ये नौ, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 9 प्रकार की होती है, बीच में 2, इसलिए इसे कहते हैं 9+2 की व्यवस्था कहते हैं। इसमें ये निकले होते हैं ये आउटर फाइबर, अंदर होती है इनर फाइबर, बाद में इसमें करंट फाइबर, रेडियल स्पोर, ठीक है। बाद में क्या होता है कि इसमें देख क्या होता है, एक धागे नुमा संरचना होती है, सेक्शन काटते हैं, ठीक है। इसमें दो बाहर व आर्मी आर्म होती है, ठीक है। बाद में देखते हैं इसकी फ्लैजिला मूवमेंट कैसे होती है, किस प्रकार से गति करता है। पहला कुछ वैज्ञानिक ने इसे इस प्रकार से दिया, हम देखते हैं, ठीक है। पहला ये पैच नोटक, मतलब स्क्रू प्रोपेलर छोरी थी जो भी थी ब्रुच लाई नदी, ठीक है। इसमें क्या प्रकार होता है, एक मान लो पैच है, मतलब युगलीना मान लेते कि पैच है, ठीक है। किस प्रकार से गति करता है, देखिए वैज्ञानिक ने कहा कि पैच नुमा से गति करता है, मतलब पैच होता है जो धारा नुमा या घुमरा नुमा गति करता है जल में, ठीक है। फिर अगला एक और जगह निकला जिससे इसने कहा कि ये सर्कुलर बीट थ्योरी, मतलब वर्तुला स्पंदन मतिया, इसमें क्या होता है, एक वर्तुला का गति करती है, नॉर्मल है, मतलब कुछ हार्ड नहीं, इसमें वर्तुला गति करती है, ठीक है। ये एक बेलनाकार सदृश्य आगे दिशा में गमन करती है, मतलब कौन की तरह आगे और गति करती है, ठीक है। फिर अगला कौन सा देखिए, ये सबसे अच्छी थ्योरी है, इसमें क्या कहा गया, देखिए इसमें पासिफिक कसाघात गति मत दिया गया है। इसमें दो वैज्ञानिक दो तीन थे, ठीक है। इसमें दो प्रकार की आघात होते हैं, प्रभावी आघात, एक प्रभावी आघात, एक होता है अप्रभावी आघात, ठीक है। प्रभावी आघात में क्या होता है, देखिए ये एक चित्र है, देखिए प्रभावी में क्या होता है कि ये ऊपर से नीचे आता है, और अप्रभावी ये क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये कसा भी सीधे और रिंगीट होकर नीचे की ओर आघात होती है, नीचे की ओर गति करती है। अप्रभावी आघात में क्या होता है कि ये ऊपर से नीचे की ओर, मतलब डाउन टू अप, वे अप टू डाउन गति करती है, ओके। अब जाते हैं अपन रिप्रोडक्शन पे, मतलब जनन किस प्रकार से होता है युगलीना में, वो देखते हैं, ठीक है। अब पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता नहीं है, ठीक है, अब्सेंट होता है। लेकिन असेक्सुअल दो प्रकार का होता है, एक है द्विखंडन और एक है बहुखंडन, मल्टीपल रिप्रोडक्शन एंड बाइनरी फ्यूजन। अब देखते हैं बाइनरी फ्यूजन किस प्रकार से होता है, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन युगलीना में देखिए आप इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसमें चार स्टेज होती है, मतलब इसमें समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। मतलब माइटोसिस विभाजन होता है, ठीक है। किस प्रकार चार स्टेज होती है इसमें, फर्स्ट प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, सबको पता होगा क्या पढ़ा होगा आपने पहले, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, पहले प्रोफेज में क्या होता है, देखिए प्रोफेज में पहले क्या, शरीर की सीत तो पहले हट जाएगी, मतलब ऊपर फ्लैजिला वो हट जाएंगे, ठीक है। जब विभाजन होगा तब, अब देखिए इसमें क्या होता है, इनमें केंद्रक की जो केंद्र केंद्र केंद्रिका होती है, उसमें क्या होता है, परस्पर मिलकर एक केंद्रीय पिंड बनाती है, ठीक है। और गुणसूत्र दो समान संस्कृति में बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, मतलब गुणसूत्र होते हैं बराबर विभाजन करके दो बराबर संतृप्ति में बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब मेटाफेज, फर्स्ट हो गए प्रोफेज, अब सेकेंड है मेटाफेज। इसमें क्या होता है,
जो आपके युग्मित होते हैं, अर्थ गुणसूत्र होते हैं, एक ही तल में व्यवस्थित होते हैं, लेकिन बट विभाजन तर्कनुमा नहीं होता है। सेकंड थर्ड है एनाफेज, अर्धगुणसूत्र अपने अपने ध्रुव गति करना शुरू हो जाते हैं, मतलब दो संतृप्तियों का निर्माण हो जाता है, जिसमें एक उधर चले जाते एक उधर चले, पीछे प्रत्येक संभल रहते, मतलब दूर दूर भागने लगती, अलग अलग संतृप्ति बढ़ने के कारण दूर दूर भागने लगती, उस कारण प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, अब थर्ड टीलोफेज लास्ट स्टेज है, इसमें क्या होता है, केंद्र होते हैं दो समान संतृप्तियों बढ़ जाते हैं, ठीक है, और दोनों संतृप्तियाँ अपने बराबर केंद्र लेकर व्यवस्थित रूप से अलग हो जाती है। जैसे हम चित्र में देखेंगे, अभी ये चित्र है, एक लिए पहले पिंड बन जाते हैं, केंद्र की पिंड, बाद में गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, ठीक है, बाद में केंद्र कला हो जाता है जिससे संतृप्ति अलग हो जाती है, प्रत्यक्षण बल लगता है बीच में, ठीक है। अब अलग है अगला है मल्टीपल फ्यूजन, इसमें सिंपल ही है, कुछ नहीं है, पहले तो युगलीन अपनी कसांबिका छोड़ देंगे, ठीक है, बाहरी आवरण पे एक पुटीनुमा आवरण बना लेंगे, बाद में बारम्बार उसमें विभाजन होता जाएगा, जिससे 16 से 32 प्रकार की युगलीना बनाएंगे, ठीक है। इसमें बाद में जो जो 16 से 32 युगलीना बनेंगे, युगलीना वो अपनी और बारम्बार मतलब एक पुटी आवरण अपनी बना लेंगे, ठीक है। इसे पामेला अवस्था कहते हैं, तो शैवालों में पाई जाती है सामान्य रूप से, बाद में क्या होता है ये अलग अलग रूप से अलग हो जाती है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर युगलीना। ओके बाय।